गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग्स। हम लोग पढ़े थे मैटर इन आर सराउंडिंग, जिसके अंदर हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, करैक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद अपने कल की वीडियो में पढ़ा था सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। इसके अलावा आपने एक नई चीज़ और बताई थी ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने क्या बोलते हैं ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो अपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, अब अपने पढ़ रहे थे हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, कि अपने स्टेट ऑफ मैटर वो कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज द स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर की स्टेट से हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द और डिक्रीजिंग द प्रेशर, ये बातें आपको बताई थी। अब सबसे पहले हमें चेंज इन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। चेंज इन टेम्परेचर यानी अगर अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो किस तरह से स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होती है। सबसे पहला है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब मेल्ट, मेल्ट का मतलब ऐसी मेल्ट होती है, फिर क्या होती है पिघलती है। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है पिघलना, और पिघलता हमेशा कौन है सॉलिड है। सॉलिड किस में पिघलते हैं चेंज होते हैं लिक्विड के अंदर चेंज होते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर एक सॉलिड है लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है हीट करने के बाद, उसको अपने क्या बोलते हैं मेल्टिंग का मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड और हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर से सॉलिड है लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है हीटिंग करने के बाद, तो उसको अपने क्या बोलते हैं मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। हर जो सब्सटेंस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है फिक्स होता है। जैसे आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0.0 क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैक्स मोम इसका होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आयरन है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वो टेम्परेचर जिसपे एक सॉलिड है हीट करने के बाद लिक्विड के अंदर चेंज होता है उस टेम्परेचर को अपने क्या बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अलग अलग सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होता है इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में उतना ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आयरन है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसलिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है तो आयरन के पार्टिकल्स के बीच में क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसको तोड़ने के लिए उतनी क्या करनी पड़ती है अपने को हीट देनी पड़ती है, जबकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हल्का सा अगर अपने आपको भी पता है कि अगर अपने फ्रीजर में से निकाल के बर्फ़ को बाहर रख देते हैं तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से क्या होता है कि बर्फ़ है आइस है वो क्या होती है मेल्ट हो जाती है। तो यानी फर्स्ट क्या हो गया मेल्टिंग, यानी अगर अपने प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड से क्या हो जाता है लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है। दूसरा है बॉइलिंग। अच्छा एक बात और सुनो कि चीज़ मेल्ट होती क्यों है। देखो अगर अपने किसी भी सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं तो उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, आपको बताया था सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या करते हैं अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अगर अपने इसको लगातार हीट देते रहते हैं, जैसे मैं इसकी बात करते हैं अपने इसको लगातार हीट देते रहते हैं, तो जब अपने लगातार इसको हीट देते रहते हैं तो जैसे ही वैक्स के अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पहुंचेंगे तब ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वैक्स के जो पार्टिकल्स बिल्कुल साथ साथ में थे सॉलिड के पार्टिकल्स अब वो क्या होते हैं कि अपनी जगह छोड़ देते हैं, अब उनके बाद इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन में आ जाते हैं जिसके कारण से अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। जब अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं सॉलिड से वो इसमें चेंज हो जाते हैं लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब अपना है सेकेंड बॉइलिंग। बॉइलिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है उबलना, और उबलती क्या चीज़ें लिक्विड चीज़ें, सॉलिड तो कैसे बॉइल हो सकती है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर जब अपने लिक्विड को हीट करते हैं और लिक्विड किसके अंदर चेंज होता है गैस यानी वेपर्स के अंदर चेंज होता है तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं बॉइलिंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भी वही कि वो टेम्परेचर जिसपे एक लिक्विड है गैस के अंदर चेंज होता है हीट करने के बाद उस टेम्परेचर को अपने क्या बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है अलग अलग होता है, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ओनली 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी अलग अलग सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है अलग अलग होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होता है इसका मतलब उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता है
देनी पड़ती है। उसके बाद तीसरा है, पहला हो गया सॉलिड को अपने लिक्विड में चेंज कर दिया, लिक्विड को अपने गैस को में चेंज कर दिया। अब अपने मान लो तीसरा प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और इवेपोरेशन आपने पहले बहुत बार पढ़ा है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज को कंडेंस करना यानी ठंडा करना। तो यानी वो प्रोसेस है जिसके अंदर जब अपने गैस यानी वेपर्स को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो लिक्विड के अंदर चेंज होता है। द प्रोसेस इन व्हिच वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर वेपर्स हैं कूल करने के बाद लिक्विड के अंदर चेंज जाते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। और ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया, बॉइलिंग का अपोजिट हो गया। यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर अपनी किसी चीज़ को ठंडा करते हैं, जैसे अपने गर्म करते थे तो उसकी पार्टिकल्स वाइब्रेट हो जाते थे, वाइब्रेट होना शुरू कर देते थे। जैसे मैंने लिक्विड को गर्म करना शुरू किया तो लिक्विड के पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। जब लिक्विड के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। जैसे ही कोई लिक्विड, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100°C, कोई भी लिक्विड जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचता है तो उसके बाद इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो अपनी जगह छोड़ देता है और वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है। अब अपने बात करते हैं उल्टा, वेपर्स को लिक्विड में चेंज करना। अब देखो स्टूडेंट जब सर्दी आती है तो आप लोग आराम से अंदर बैठ जाते हो, बैठ जाते हो क्योंकि अपनी बॉडी का क्या होती है, थोड़ी सी क्या करने लग जाती है, कम काम करने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अपने किसी भी बॉडी को ठंडा करते हैं, किसी भी गैस वेपर्स को जैसे अपने ठंडा करते हैं, तो वेपर्स को जब अपने ठंडा करते हैं तो उसके कारण से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो उसके पार्टिकल्स मोशन कम करना शुरू कर देते हैं, मोशन कम करना शुरू कर देते हैं तो अपनी जगह पर रुकना शुरू कर देते हैं। जब अपनी एक ही जगह पर फिक्स हो जाते हैं तो उनके पार्टिकल्स के बीच में भी क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है तो इस कारण से क्या हो जाता है कि गैस इसमें चेंज हो जाती है, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। इसी तरह से फोर्थ है फ्रीजिंग, जिसको अपने बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन इसके अंदर क्या होता है कि नाम से बता देते हैं, फ्रीजिंग यानी जमना, बर्फ का जमना। तो यानी वो प्रोसेस जब अपने जिसमें अपने लिक्विड को ठंडा करते हैं और लिक्विड किसके अंदर चेंज हो जाता है, सॉलिड के अंदर चेंज होता है। वो प्रोसेस जिसके अंदर अपने लिक्विड को ठंडा करते हैं और लिक्विड किसमें चेंज होता है, सॉलिड के अंदर चेंज होता है। तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। लिक्विड को ठंडा करेंगे उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, उसके पार्टिकल्स पास पास आना शुरू कर देंगे, पास पास आएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू कर देंगे हो जाएगा। आपको भी पता है कि अगर आप किसी के साथ जैसे स्कूल टूर में चले गए, 10 दिन आप अपने फ्रेंड के साथ रह के आते हो तो आपका उसके साथ लगाव ज़्यादा हो जाता है या नहीं जाता। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जैसे अपने लिक्विड को ठंडा करते हैं उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, पास पास आने के कारण से उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण से वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है। फिर कल अपने मतलब चेंज इन प्रेशर पढ़ा था। प्रेशर देखो अपने ने पढ़ा है कि ना तो अपने सॉलिड को प्रेशराइज कर सकते हैं, कल पढ़ाया था आपको, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो अपने ब्रिक है या अपने टेबल है इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैसेस को अपने क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है हाउ कैन वी लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी अपने एटमॉस्फेरिक गैसेस या गैसेस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। तो अपने गैसेस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। उसके ऊपर अपने क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन साथ में अपने को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पास पास आएंगे तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहता है, पार्टिकल्स को पास पास लाना होता है, तो इसके कारण से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए बार बार उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। सिलेंडर्स के अंदर जब गैस को लिक्विड के अंदर चेंज किया जाता है तो वहाँ पर ठंडा पानी है, वो बार बार डालना पड़ता है। तो यानी अपने गैसेस को कैसे लिक्विड के अंदर चेंज कर सकते हैं, उसका प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को क्या करके, डिक्रीज करके। अब स्टूडेंट्स एक टॉपिक है कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कॉमन यूनिट अपने टेम्परेचर की अपने यहाँ पर यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं ना क्या डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 50 है,
35 चल रहा है, 36 चल रहा है, तो इस तरह से अपने कॉमन यूनिट क्या यूज करते हैं, कॉमन यूनिट यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस। जो डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है, सॉलिड होता है, यानी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होना शुरू हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेंस शुरू हो जाता है आइस है वो सॉलिड के अंदर, या अगर अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो लिक्विड किसके अंदर चेंज हो जाता है, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है। एसआई यूनिट, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या की जाती है, यूज की जाती है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यूज की जाती है, उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की होती है कैल्विन। अब ऐसा यूनिट क्यों यूज की जाती है, इसका रीजन क्या होता है, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 कैल्विन क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अगर अपने को पता है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे जाना शुरू कर दे तो वो माइनस में लिखते हैं, और माइनस के अंदर कैलकुलेशन करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 273 कैल्विन, इसके अंदर डिग्री नहीं लगाना, तो 273 कैल्विन है, तो अगर अपने इसको टेम्परेचर को नीचे लेके जाते हैं तो भी क्या होगा, माइनस के अंदर वैल्यू नहीं आती, तो कैलकुलेशन करना क्या होता है, इजी रहता है। इस तरह से अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 274 हो जाएगा कैल्विन, इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितना आ जाएगा, 373 कैल्विन आ जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में डिग्री सेल्सियस और कैल्विन के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप क्या है, K is equal to C plus 273, K is equal to C plus 273। अगर हम लोग अपने पास आ जाए कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू कैल्विन, अगर अपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कैल्विन में चेंज करना है, अपने ये लगाते हैं फॉर्मूला, K is equal to C plus 273, K is equal to C की जगह 25 plus 273, तो कितना आएगा, 298 कैल्विन आ जाएगा। और अगर आपको ये आ जाए कन्वर्ट 300 कैल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड, अगर कैल्विन को अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, अपने फॉर्मूला लगाएंगे K is equal to C plus 273, कैल्विन की जगह लगाएंगे 300 C plus 273, C को यहाँ रहने दो, 300 है ही, मैथ्स में करते हो ना, प्लस में तो क्या देगा, माइनस के अंदर आ जाएगा। 10 में से 3 के 7, 9 में 7 के 2 क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास आ जाएगा। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, K is equal to C plus 273, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। अब है टॉपिक सब्लिमेशन, ये मैंने पहले आपको बताया, मैं वापस से रिपीट करवा देती हूँ। सब्लिमेशन बताया था हमें, जो पहले से पहले जब पढ़ाया था, इस मैटर अराउंड अस फ्लो, उसके अंदर मैंने आपको एक मेथड था जिसके अंदर सॉलिड से सॉलिड को अलग करने का, जिसके अंदर मैंने आपको क्या वर्ड बताया था, सब्लिमेशन वर्ड है वो बताया था। तो अब यहाँ पर अपने अब सब्लिमेशन को जानेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन का मीन्स क्या होता है, अपने को पता है कि जैसे कि आइस है, आइस को अगर अपने हीट करते हैं तो ये किसमें चेंज होती है, वाटर में, और वाटर को अगर अपने हीट करते हैं तो ये किसमें चेंज होता है, वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, और वेपर्स कैसे हैं, गैस है, यानी वेपर्स यानी गैस, गैस से वेपर्स है, यानी किसी भी अगर अपने सॉलिड को हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में, और लिक्विड में चेंज होता है, वेपर्स के अंदर गैस के अंदर चेंज होता है। और उल्टा करके अगर वेपर्स को अपने ठंडा करना शुरू करते हैं तो किसमें चेंज होता है, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड को कूल करते हैं तो किसके अंदर चेंज होता है, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर अपने सॉलिड को हीट करते हैं तो डायरेक्टली किसमें चेंज होता है, वेपर्स में चेंज होता है, और अगर अपने वेपर्स को कूल करते हैं तो वेपर्स डायरेक्टली किसमें चेंज होता है, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है। यानी सॉलिड को लिक्विड से आती नहीं है, तो वो प्रोसेस जिसके अंदर अपने सॉलिड को हीट करते हैं और डायरेक्टली वेपर्स में चेंज होता है, या वेपर्स को ठंडा करते हैं वो वापस से सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं सब्लिमेशन। और जो ये सब्सटेंस होते हैं इनको अपने बोलते हैं सब्लाइम। ये आपने देखे हैं कैम्फर, कैम्फर होता है कपूर, देखा है मंदिर के अंदर में पूजा करते हैं, कभी
देखना अगर नहीं देखता तो एक छोटा सा इतना सा पैकेट आता है वाइट और ब्लू कलर का, मंदिर के अंदर यूज किया जाता है। तो उसको अगर गर्म करोगे थोड़ा ठीक, इसमें चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से आएगी नहीं। और अगर अपने लिक्विड को ठंडा करते हैं थोड़ा ठीक, इसमें चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। अभी मैं ये बताती हूँ एक्सपेरिमेंट से। और इसके अलावा नेफ्थलीन बोल, नेफ्थलीन बोल हमने देखी है जो फिनाइल की गोलियां बोलते हैं अपने, जिसको कपड़ों में रखते हैं, वो भी सप्लाइन सब्सटेंस होता है। आपकी मम्मी है कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको क्या करते हैं कि जैसे अपने वुलन क्लोथ्स होते हैं या सिल्क वगैरह के कपड़े होते हैं, तो फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर नेफ्थलीन बोल डालते हैं। तो जब अपने नेफ्थलीन बोल अब डाल दें इस साल, अगले साल क्या हो जाती है, बोल्स या तो डिसअपीयर हो जाती है या वो क्या हो जाती है साइज के अंदर छोटी हो जाती है। क्योंकि जैसे ही नेफ्थलीन भी क्या होता है एक सप्लाइन सब्सटेंस होता है, जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। इसका एक्सपेरिमेंट बता रही थी मैं आपको। अपने क्या करते हैं एक चाइना डिश लेते हैं, इस चाइना डिश के अंदर क्या करते हैं कैम्फर कपूर इसका पाउडर डाल देते हैं, पाउडर के अंदर कैम्फर को क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं, इसको अपने हीट करते हैं। अगर डायरेक्टली हीट करेंगे तो कैम्फर जल्दी क्या हो जाएगा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपने को पता ही नहीं लगेगा। तो अपने क्या करते हैं इस कैम्फर के अंदर अपने जो ये चाइना डिश की है, इस चाइना डिश के ऊपर अपने क्या करते हैं एक फनल गोल्डा करके लगा देते हैं। याद करो जो मैंने साल्ट और कैम्फर को अलग करने का तरीका बताया था आपको सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड से सॉलिड को अलग करने का, आपने इसके ऊपर एक फनल गोल्डा करके रख देते हैं। इस फनल के ऊपर अपने क्या करते हैं कोटन पर लगा देते हैं ताकि वेपर्स बाहर ना निकले। ये फनल है, फनल के ऊपर अपने क्या लगा दिया ये बर्नर है, अपने ने इसके ऊपर एक कॉटन प्लग लगा दिया ताकि वेपर्स बाहर ना निकले। अपने इसको गर्म करना शुरू करते हैं, वेपर्स बनते हैं, ये वेपर्स ऊपर जाते हैं हल्के होने के कारण से। जब ये वेपर्स ऊपर जाते हैं हल्के होने के कारण से, अब जब वेपर्स ऊपर चले गए, अब जब वेपर्स सारी मसाले का बन गए, वेपर्स बन गए, तब अपने क्या करते हैं इस प्रोसेस को यानी यहाँ से अपने क्या करते हैं बर्नर को रिमूव कर देते हैं। बर्नर को जब अपने रिमूव करेंगे तो अपने क्या देखेंगे कि बाहर तो जा नहीं सकते वेपर्स, तो वेपर्स क्या हो जाएंगे इसकी दीवारों के साथ क्या हो जाएंगे चिपक जाएंगे। जब ये चिपक जाएंगे तब अपने क्या करेंगे इसको किसी भी चीज़ से हटा लेंगे, मतलब उतार रख करके उतार लेंगे, यानी अपने पास क्या हो जाएगा वापस से कैम्फर आ जाएगा। यानी कैम्फर डायरेक्टली सॉलिड से किसमें चेंज हुआ था वेपर्स में चेंज हुआ था। यानी वो सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर्स में चेंज हो जाते हैं हीट करने के बाद, उन सब्सटेंसेस को अपने क्या बोलते हैं सब्लाइन सब्सटेंस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।